तो जैसा कि पहले हमने राजधानी जयपुर के अक्षय पात्र की आपको कुछ वो तस्वीरें दिखाई, जहाँ सुबह से ही जो भक्तों का जो तांता है मंगला आरती से, यानी कि 4:30 बजे से मंदिर जो लोग हैं दर्शनार्थी है उनका, जो भक्तों की जो भीड़ थी वहां देखने को मिली है। ये अक्षय पात्र का वो होल है, यानी कि कृष्णा होल इसे कहते हैं। यहाँ पर तमाम जो झूला झूलन का जो हो रहा है कृष्ण भगवान को, ठाकुर जी को है कृष्ण, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ठाकुर जी के साथ साथ उनका जो जलाभिषेक है वहां पर किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कृष्णा हॉल में किया जा रहा है। एक तो अपना भैया नाम बता दीजिए, क्या मेरा नाम है ध्रुवेंद्र। कुछ कृष्णा हॉल के तरफ हो रहा है, ठाकुर जी की मूर्ति है, कुछ झूलत बनाया जाता है, किस तरह के क्या कुछ किया गया कृष्णा हॉल है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं वो विजिटर्स को पहले मौका दिया जा रहा है भगवान को अभिषेक करने का। उनको जो अभिषेक तत्व हैं वो पहले ही एक पॉट में दे दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से भगवान को अपने सेवा भाव से अभिषेक कर सकें। उसके बाद दूसरा जो है पालकी है, जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको पालकी जलाने का मौका दिया जा रहा है। सुबह से ही मंगला आरती से ही ये तमाम लोग आना शुरू हो गए हैं। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, आपने सुबह से देखा है? हाँ, मैं मॉर्निंग से ही देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली से आया हूँ, जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में वर्क करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। इसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए हुए हैं और मॉर्निंग से ही मंगल आरती से ही काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, अपना सेवा भाव यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं और जो लोग वॉलेंटियर्स हैं जो सुबह से टिल इवनिंग तक सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, और जो विजिटर्स हैं उनको कैटरिंग करने का काम ही इन वॉलेंटियर्स का है। और इस पूरे टेंपल परिसर में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग सेवाएं और सेवा भाव प्रस्तुत किए गए हैं। जिस तरह से मैंने अभी बताया, यहाँ पर जल अभिषेक है, यहाँ पर पल्लकी उत्सव, पल्लकी झुलाने का प्रोग्राम है, आगे आप जाएंगे तो मंदिर में दर्शन करने का प्रोग्राम है, नीचे आप जाएंगे तो आपको स्पिरिचुअल असेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे बुक्स हैं, आप अपने लिए कुछ पूजा प्रोग्राम जो घर पे आप करते हैं वो ले सकते हैं, देन अभिषेक प्रोग्राम भी नीचे हो रहा है। तो इस तरह से पूरे मंदिर परिसर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम अरेंज किए गए हैं और विजिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे जयपुर से ही नहीं, ऑल ओवर कंट्री से बहुत सारी जगह से आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये जयपुर का सबसे बड़ा मंदिर मान सकते हैं हम इसे, और यहाँ पर जो तादाद होती है विजिटर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है और लोग बहुत भक्ति भाव से, बहुत डेडिकेशन से यहाँ पे अपना सेवा देते हैं। लोग मॉर्निंग से लगे हुए हैं, रात के 12 बजे तक लगे रहेंगे, कुछ लोग एंटायर डे फास्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर अपना फास्ट तोड़ते हैं। तो इस तरह से लोग अपना भक्ति भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों के लिए भी एक ये मोटिवेशन का प्रतीक है कि आप मोटिवेट होइए और भक्ति अपना बढ़ाइए ताकि आप भी इस स्पिरिचुअल आनंद की अनुभूति कर सकें। ये क्या है, ये क्या कुछ ये है? एक संकेत है, जैसे भगवान कृष्ण जब धरती पर अपनी लीलाएं कर रहे थे तो भगवान कृष्ण माखन खाया करते थे और ऐसा नहीं था कि माखन की कमी थी उनके पास, फिर भी वो चोरी करके खाया करते थे क्योंकि ये उनकी लीलाएं थी। और इसी तरह से ये एक माखन हमने प्रिपेयर किया हुआ है, तो जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको एक एक माखन का पॉट दिया जा रहा है चार के तौर पर प्रसाद के तौर पर।